से जोर शोर से चल रही मुस्लिम समाज के वोटर कार्ड बनाओ मुहिम। देश में अमन चाहिए तो भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। भंडारा जिले में मुस्लिम समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और चुनाव में अधिक से अधिक हिस्सा लेने हेतु वोटर कार्ड मुस्लिम की जोर शोर से शुरुआत की गई। जामिया तुल्फा डिस्ट्रिक्ट भंडारा के अध्यक्ष मुक्ति मोहम्मद शाजिद ने कहा कि देश में अमन चाहिए तो हम सभी को भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। लाखनदूर में मुस्लिम समाज में सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ पहुंचाने हेतु मुस्लिम समाज की एक मीटिंग रखी गई थी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य वोटर कार्ड बनाओ मुहिम के बारे में समाज में जन जागृति करना था। हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार ने जामियत उल्फा डिस्ट्रिक्ट भंडारा के अध्यक्ष मुक्ति मोहम्मद शाजिद से बातचीत की। लेकिन ये बात भी आपको समझना चाहिए कि इस मुल्क को सेकुलर बनाने में किसी गवर्नमेंट का या नेताओं का हाथ नहीं है, बल्कि इस देश की जनता सेकुलर है और इस देश की जनता ने पॉलिटिकल पार्टियों को सेकुलर होने पर मजबूर किया है। अब बीच में कहीं 19-20 हो जाता है, कई झगड़े फसाद हो जाते हैं, तो एक अच्छा और समझदार नागरिक इसको हिंदू मुस्लिम की तरफ नहीं ले जाता। देश के सूक्ष्म वित्त पोषण को अपनी रुद्ध योजनाओं के तहत अगले 3 साल में 6.9 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया। फरीदाबाद बल्लभगढ़ में चीनी व्यापारी को पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री देने का मामले में अब नया मोड़ आ गया, जिसमें खुलासा हुआ है कि माहिद गोयल नाम के चीनी व्यापारी ने बचने के लिए पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री देने का झूठा प्रपंच रचा था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें।